पंथ दियां बहुत ही सत्कारयोग कौम दियां दर्द रखण वालियां बहुत ही सत्कारित मंच असीन शख्सियतां तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज असी सारे उस महान जरनैल भाई गुरबख्श सिंह जी की मिठी याद च इकट्ठे हुए हैं। खालसा जी हर प्रकार के लोग इस मंच ते ने पर सारिआं दे अंदर दर्द एक आ वो दर्द कौम के प्रति आ वो दर्द अपने उन्हें बंदी सिंघां दे प्रति आ वो पीड़ा जिहड़ी आ वो हर कोई अपने अल्फाजा के तरीके नाल दर्शा रहा। पर एक गल मैं कह देना चाहुंदा है मेरे तो बाद सरदार जी के साहब साढ़े प्रधान साहब ने बोलना तुहानू पूरे जानकारियां भी देणगे और अगे दी किस तरीके दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमेशा तुहाडे वास्ते खड़ी रही और खड़ी रहो भी दसणगे। बस मैं दो ही गल्लां करके अपनी गल नूं समाप्त करना चाहुंदा है। असी लड़ाई कोई भी जंग तां जीती जा सकती है जंगा उही जीतियां जांदियां ने जिथे फौज एकजुट हुंदी आ लड़ाई उही जीती जा सकती आ जिथे फौज एक झंडे थले होवे। साडे मन दे अंदर एक भाव जरूर होना चाहीदा है कि असी इस गुरु चरण साहिब महाराज के चरणों के प्रति समर्पित हाँ। साडी सोच एक होनी चाहिए आ हो सकता किसी का विचार करन दा रखण दा तरीका कोई हो सकता किसी का वक्खरा हो सकता है पर आपां अपनियां लड़ाइयां नूं खत्म करिए। ये जिहड़ी जंग आपां अपने अंदर शुरू कीती होई आ किते ना किते इहनूं रोक लाउण दी लोड़ आ। जे असीं कौम एकजुट आ ये 2% कौम एडी ताकत रखदी आ। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे दुनिया के मुल्कां नूं चुका दिता सीगा। इस कौम के महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरां वालियां ने सरकारां नूं चुका दिता सीगा। साडी कौम के अंदर इन्हां इस दर्द है साडे अंदर पर एक गल याद रखियो जे लड़ाइयां उही मैदान च जित के निकलते ने नित्र के उही बाहर आउंदे ने जिन्हां दे पिछे कौम खड़ी हुंदी आ। तुसीं साडे पिछे खड़े जे असीं तुहाडे पिछे खड़े हाँ। इन्नी कु बेनती प्रवान करदे होए मैं सरकार नूं एक गल कहना चाहुंदा एजेंसियां दे लोग वी अज इत्थे बैठे ने सरकार दी इंटैलीजेंस वाले लोग वी अज इत्थे रिकॉर्डिंग करन आए पहुंचे होणगे। एक गल याद रखियो इह बलदी च तेल ना पाओ। असीं हथ बन के सरकारां नूं बेनती करदे आं ये बलदी च अग ना पाओ ये अग एडी उपांबड़ मच जाणा है तुहाडे तों संभालिया नहीं जाणा। ये कौम ये शेरां दी कौम ये उदों तक की पिंजरियां च कैद रहिंदी आ जदों तक अपनी मर्जी नाल होवे। इस कौम नूं इन्हां शेरां नूं पिंजरियां च कोई कैद रख नहीं सकदा। इन्हां कौम नूं पिंजरियां च कैद करन दी कोशिश भी ना करो। मैं सरकार नूं चाहे वह केंद्र की सरकार होवे अज असीं हरियाणे दे इस धरती ते खड़े हाँ। मैनूं बड़ा अफसोस होया जदों मैं परसों एक खबर पढ़ी बंदी सिंघां नूं छुड़ाउंदे छुड़ाउंदे जिहड़े लोगों ने लड़ाई लड़ी उन्हां ते मुकदमे दर्ज करते। ये बड़े शर्म की गल है साडे सारिआं दे वास्ते। असीं वी उन्हां सरकारां दी नुमाइंदगी करदे हाँ असीं वी उन्हां सरकारां च MLA रूप च काम करदे हाँ पर साडे सारिआं दे लई शर्म की गल आ। सो मैं सरकारां नूं ये बेनती करना चाहुंदा हां और अंत अंदर एक गल कह के अपनी गल नूं समाप्त करूंगा। खालसा जी साडा रूप ते साडी सोच वो आ जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने सानूं दित्ती आ। साडे ते जितन साडी जान की लोड़ पै जाए खालसा जी मैं बड़े फिक्र नाल गुरु साहब की हाजरी च कह सकदा है असी पिंडां दे रहण वाले लोग आ सानू दो मुहां गल्लां नहीं करनियां आउंदियां पर जितन साडी जान की लोड़ पै जाए खालसा जी तुसीं चकारा दे दोगे असी अपनी गर्दन लवा देंगे कौम पिछे तुहानू वादा करके जा सकदे हां। बहुत बहुत धन्यवाद। उस महान रूह दे चरणा दे अंदर मैं अपने वालों दिल्ली दीआं संगतां वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों जिते सीस दवाना है उत्थे उस परिवार नूं इह दिलासा भी देना है तुहाडे पिता जी ने तुहाडे घर दे मोढ़ी ने जिहड़ी कौम पिछे शहादत दित्ती आ ये असी वांझ नहीं जाण देंगे। असी तुहाडे नाल खड़े हाँ हर मरदे दम तक खड़े हाँ एक सच्चे सिख दे रूप अंदर खड़े और खड़े रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।